नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। 2020 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी की गई थी एनडीए सरकार के द्वारा कि 19 लाख रोजगार बिहार के युवाओं को दिया जाएगा। ऐसे में आज बिहार सरकार के मंत्री जनक राम से हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात 19 लाख की हुई थी, परंतु विभाग के द्वारा 20 लाख रोजगार की स्थिति बनाई जा रही है और अभी कई विभागों में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। पहले पूरा बयान सुने जनक राम ने क्या कुछ कहा। मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 19 नहीं, प्रथम कैबिनेट की ही बैठक में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, सृजन करने के लिए बैठकें हुई थी, उसमें बताया भी गया था। मेरे विभाग में अभी खनिज पदाधिकारी का 20 सीटें रिक्त थी, जिसको पूर्ति कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग से एग्जाम लिया गया, उसके रिजल्ट भी हो गया और जो दो चार दिन में योगदान। इसी तरह हर विभाग में मुझे लगता है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां सीटें रिक्ति रह गई थी, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं अपने विभाग खास करके आपको बताना चाहता हूं कि मात्र बालू की ही मेरे विभाग में चर्चा होती थी। धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, या धन्य है भारत के विभाग के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी। जब से मुझे ये दायित्व मिला है माइंस के क्षेत्र में क्रोमियम निकल पोटास ये आपको प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जिस दिन ये खनन प्रारंभ होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, देश के शशि प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन का देशवासियों को जो आश्वस्त किए थे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बिहार की तरफ से योगदान होगा। तो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत। अब तक का कोई लिस्ट नहीं है कि अब तक कितना? ये तो पूरा डाटा आपको लेना पड़ेगा, मैं अपने विभाग के बारे में बताया। लेकिन जिन लोगों ने पूर्व की सरकारें रही है, डाटा बताते रहे, तो मुझे तो लगता है कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार में खुद के उनके परिवार के लोग आज बेरोजगार हैं। जितनी पारिवारिक कंपनियां जो चल रही थी, उनको कहीं ना कहीं रोड पर जनता रख दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके आड़ में गरीब गुरबा को, किसान को, गरीब को, दलित को, शोषित पीड़ित को गुमराह करके, बहका करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास लोग करता है। लेकिन बिहार की जनता दो चुनाव हुआ, रिजल्ट दिया, इससे सिद्ध हो गया कि बिहार की 13 करोड़ जनता एनडीए सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। तो आपने सुना जनक राम को, जो कि बिहार सरकार के खनन मंत्री है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार रोजगार के मुद्दे को लेकर काफ़ी सजग रूप से काम कर रही है। अनेक विभागों में रोजगार के अवसर पैदा किए गए और लगातार युवाओं को रोजगार दिया भी जा रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी खड़ा उठता है कि बीते दिनों बिहार के कई जिलों से लगातार युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और रोजगार के मुद्दे को ही लेकर लगातार युवा सड़कों पर दिख रहे हैं। और वही दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है कि युवाओं को, खास करके युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं और कई विभागों में अभी तक रोजगार दिए जा चुके हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।